अब देखिए, सबसे पहले आपको बताते चलें कि किस तरह से हमारे मैकेनिक भाइयों के पास प्रॉब्लम पहुंचता है। ये देखिए, फ्यूज बॉक्स कंप्लीट लगा हुआ है। इसके अंदर दो रिले आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी समय फ्यूल पंप का प्रॉब्लम या गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल या सेल्फ दबाने के बाद कोई भी ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। सारे फ्यूज चेक करते हैं, सही होता है, दोनों रिले भी रिप्लेस कर देते हैं, सोल्यूशन मिलता नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर बैटरी चार्जिंग की समस्या हो रही होगी तो आपको क्या चीज़ चेक करना चाहिए। सेल्फ स्टार्टिंग, फ्यूल पंप, इंजेक्टर सप्लाई, करंट को लेकर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आपको क्या चेक करना चाहिए। चलिए, इससे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं इसके इस फ्यूज बॉक्स को पूरी तरह से बाहर निकालता हूँ और प्रूफ चारों तरफ से हम शेयर करते चलेंगे, क्योंकि पूरी वायरिंग डायग्राम, पूरा PDF इसका मेरे पास अवेलेबल है। मैंने इसके पूरे फ्यूज बॉक्स को बाहर निकाल दिया है। एक अगर ये रिले देखें, ये हमारा जो है ग्रे कलर में आपको रिले देखने को मिल रहा होगा, ये है इस गाड़ी का मेन रिले। मेन रिले का मेन काम क्या है, मोटिव क्या है, कि इस बैटरी का जो करंट है वो वोल्टेज जो है वो इसके फ्यूज बॉक्स से आ रहा है मेन 20 एम्पेयर के पास, और 20 एम्पेयर का जो इसका वोल्टेज है वो इस रिले से होते हुए ECM के पास जा रहा है। अगर ये रिले ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी का ECM फेलियर हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि रिले यहाँ से आउटपुट इसके ECM को नहीं भेज पाएगा। आप समझ सकते हैं, ये जो ACJ स्टार्टर की गाड़ियाँ या 3-phase पंप वाली गाड़ियाँ हैं उसके अंदर क्या है कि अगर रिले ख़राब हो गया तो ECM के पास वोल्टेज नहीं जाएगा, और ECM के पास वोल्टेज नहीं जाएगा तो फ्यूल पंप नहीं चलेगा, इंजेक्टर काम नहीं करेगा। वो क्यों, वो मैं आपको दिखाते चलूँ। तो अगर यहाँ पर देखें तो इसके अंदर क्या है, 3-phase पंप लगा हुआ है। अब 3-phase पंप को कौन वर्क करवाएगा, इसका ECM वर्क करवाएगा। ECM कब वर्क करवाएगा, जब इसके पास रेडी वोल्टेज 12 वोल्ट का पहुंचेगा। अब वोल्टेज कौन प्रोवाइड करेगा उनके पास, तो ये रिले प्रोवाइड करेगा। तो एक चीज़ आप क्लियरली समझ लें, कभी भी अगर सेल्फ काम ना करे, इंजेक्टर के अंदर सप्लाई ना हो या फिर फ्यूल पंप ना काम करे, तो उस सिचुएशन में हम इस रिले को चेक करेंगे। चलिए इसे मैं बाहर निकालता हूँ। उससे पहले एक दूसरा मेथड, ये जो ब्लू कलर का रिले है ये किस काम के लिए काम करता है, तो कंपनी रिकमेंडेड वायरिंग में या इसके PDF जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे इसे साफ लफ्जों में लिखा गया कि ये जो रिले है ये इसके सेल्फ स्टार्ट के लिए और इसके बैटरी चार्जिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी मैग्नेट से यहाँ तक जो करंट आया वो AC करंट आया। अब AC को DC वे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक DC रिले लगाया गया, यानी एक तरह से कह सकते हैं RR यूनिट रेगुलेटर रेक्टिफायर, ये इस ब्लू वाले वायर में लगा हुआ, ये इस रिले में लगा हुआ है। अब आपको तो प्रूफ चाहिए रहेगा कि क्या है इसका प्रूफ, तो उस चीज़ को शेयर करने के लिए चलिए मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। अभी सबसे पहले हम इसके मेन रिले का प्रूफ शेयर करते हैं, क्योंकि शुरू मैंने इस चीज़ से किया है। जैसे इसके मेन रिले को ओपन कर देंगे, इंजेक्टर के अंदर वोल्टेज आना बंद हो जाएगा, फ्यूल पंप के अंदर वोल्टेज आना बंद हो जाएगा, फ्यूल पंप वर्क करना बंद हो जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ, पहले इस रिले को डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर इसके इनपुट चार्जिंग भी हम चेक करवाएंगे। बने रहें। देखिए, इस तरह से BS6 की गाड़ी आपके पास आती रहेगी रेगुलर प्रॉब्लम लेकर। इसके मेन रिले को मैंने ओपन कर चुका है अभी, अब इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं और इसके टेस्टिंग का भी बताएंगे। जब भी हमारे मैकेनिक भाई रिले को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो नया रिले डायरेक्ट लगा देते हैं, तो जी नहीं, नया रिले लगाना नहीं है, पहले इसे आप मल्टीमीटर से चेक कर लें कि ये ख़राब है या सही। इसका पार्ट नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, मैंने इसे ओपन कर दिया, अब देखते हैं कि गाड़ी का फ्यूल पम्प चलता है कि नहीं और इंजेक्टर काम करता है। पहले टेस्टिंग करेंगे इसके फ्यूल पम्प को। इसके कनेक्शन को मैंने ऐड कर दिया, जो माइक है उसको इसके करीब कर देंगे ताकि साउंड आप इजीली सुन सकते हैं, क्योंकि फ्यूल पंप का मोटर काफ़ी कम साउंड करता है। अब इधर मैं इसके इग्निशन स्विच को भी ऑन कर दे रहा हूं ताकि क्लियरली साउंड सुन सकें। देखें, मैंने इसके इग्निशन स्विच को ऑन कर रखा है, बट कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं, इसके अंदर से कोई भी ऐसा साउंड नहीं। तो इससे पता क्या चला कि यहाँ से जो ये रिले है ये ECM को वोल्टेज भेज ही नहीं रहा। जब तक ये ECM को 12 वोल्ट वोल्टेज नहीं भेजेगा, यहाँ पे आता है 12 वोल्ट का सप्लाई और ये इसके इस फ्यूल पंप को वर्क करने के लिए 2.5 से 3 वोल्ट का वोल्टेज भेजता है, DC वोल्टेज, क्योंकि ये 3-phase पंप है और 3-phase पंप को वर्क करने के लिए सिर्फ 2.5 से 3 वोल्ट ही काफ़ी होता है। अब चलिए मैं इसके अंदर इनपुट वोल्टेज भी चेक करवा दूँ, एक भी वोल्ट इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी लाइव प्रूफ शेयर करने के लिए मैं इसके इस कपलर कनेक्शन को ओपन कर दिया। दोनों वायर को यहाँ पे अटैच करेंगे, ये प्रोब पतला नहीं है, इसके अंदर हम पतला प्रोब का उपयोग करेंगे। इसे हम यहाँ से हटाते हैं और दूसरा प्रोब ऐड करते हैं। ये देखें, काफ़ी मोटे मोटे प्रोब हैं, इस कनेक्शन इसके अंदर हो नहीं पाएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पतला पतला प्रोब लगा हुआ। देखें,